स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स डू इट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास, राकेश यादव क्लास नोट्स, क्वेश्चन नंबर 89। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 एंड 1/9। 1/4 और 1/9 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझना होगा कि भाई ये होता क्या है। हम अनुपात तो कह रहे हैं, ये मध्य अनुपाती, प्रथम अनुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे हम लेते हैं ए, एक मिनट, ए बी सी एंड डी, ये है। इसको लिखने का तरीका क्या है, ए इज प्रोपोर्शन टू बी और वैसे ही सी डी से प्रोपोर्शन है। अब ये अपन एसएससी के रीजनिंग के अंदर भी ऐसा कुछ पढ़ते हैं, मेरी बात समझना। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है और मेरे को ये नंबर दे दिया और आगे पूछ लिया, तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर मैं रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, कैसे ऑप्शन खुलते हैं कि सर ये इसका दुगना है तो 10 भी आ सकता है, कि सर इसका स्क्वायर करके लिखा हुआ है तो 25 भी आ सकता है, यहां भी स्क्वायर कर लो, यहां दो जोड़ के लिखा हुआ है सर दो जोड़ लीजिए, कि सर यहां पर दुगना, सॉरी तीन गुना करके दो घटाया है, इंटू थ्री माइनस टू कर लीजिए। न जाने कितने तरीके हैं रीजनिंग में अगर मैं जाऊं तो। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका इतना ही कहता है कि ये चीज यहां से यहां दो गुना हो रही है तो खत्म हो गई बात, ये चीज भी दो गुना होगी और मेरा आंसर 10 है। प्रोपोर्शन ये कहता है। अब समझना, इसको मैं लिखना सिखाता हूं। भाई सिंपल सी बात है, बी अपॉन ए, आपने राइट वाले को ऊपर लिखा है तो यहां भी राइट वाले को ऊपर लिख लीजिए, डी अपॉन सी, ये बराबर होगा। ये अपना मैथ्स का प्रोपोर्शन कहता है, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो अलग कहानी है, मैं तो मैथ्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, राइट। अब यहां से अगर आप देखो तो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी आता है, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई। बचपन में अपन ने पढ़ा था, एक लाइन याद करवाता हूं सर, दूर दूर का मल्टीप्लाई पास पास का मल्टीप्लाई बराबर होता है। दूर दूर का मल्टीप्लाई पास पास का मल्टीप्लाई बराबर होता है। लो बराबर आ गया, तो फिलहाल एक ये चीज समझ में आ गई। इसलिए मैं फटाफट क्या कर सकता था, ये अगर x होता तो मैं कहता 2 × x बराबर 5 × 4, यहां से x बराबर 10 आ जाता, ठीक है। आप जैसा भी करना चाहो वो आपके ऊपर है। अब मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूं। मान लीजिए कि सर नंबर चार है ही नहीं, ए बी सी डी चार है ही नहीं, तीन ही है। अब ए बी और सी तीन ही है, इनमें प्रोपोर्शन कैसे सेट करोगे? एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, प्रोपोर्शन चार होंगे तो ही सेट होगा, तीन में होगा ही नहीं। अगर तीन में सेट करना है तो बीच वाले को रिपीट करना होगा। रिपीट मतलब ए से जैसे बी बना है, एक मिनट देखो, वैसे ही बी से आपस क्या आएगा, सी आएगा। ये बी जो है रिपीट होगा और इस पर्टिकुलर को अपन कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल। ये होता है मध्यानुपाती। अब जैसा मैं लिख रहा हूं ए अपॉन बी, देखो जरूरी नहीं बी अपॉन ए लिखो, ए अपॉन बी लिखो, लेफ्ट वाले को ऊपर लिखा है, यहां भी लेफ्ट वाले को ऊपर, बी अपॉन सी, खत्म। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, नहीं तो देख लो दूर दूर का मल्टीप्लाई पास पास का मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। ये बी जो है मीन प्रोपोर्शनल है, मध्यानुपाती। ए वही फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सी वही थर्ड प्रोपोर्शनल, यहां फिर तीन ही होंगे, वह चार थे वहां चार, यहां तीन। ये सेकंड प्रोपोर्शनल नहीं बोल के इसको मीन प्रोपोर्शनल बोल देते हैं, मध्यानुपाती। बाकी वो प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, समझते हैं। देखो मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है मेरे से। मैंने क्या कहा था, मीन प्रोपोर्शनल था बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, बी स्क्वायर तो मुझे निकालना है 1/4 और 1/9, बी बराबर 1/2 × 1/3, 1/6 आ जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 18 व 36 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करो। फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 36। तो अब समझना, क्या दो नंबर ही है और थर्ड नंबर पूछ रहा है, मतलब टोटल तीन नंबर ही हुए, तीन नंबर ही हुए तो मेरा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये फर्स्ट हो गया,
ये सेकंड हो गया, तभी तो पूछा थर्ड निकालो, तो ये सेकंड हो गया, तो आपका 36 इंटू 36 बराबर 18 इंटू सी, ये इस तरह से, तो सी इक्वल टू 72, ये थर्ड प्रोपोर्शनल आपका 72 आ गया। इस तरीके से आगे बढ़ना होता है, चीजें समझ में आएगी तो कभी दिक्कत आती ही नहीं है। अब देखो यहां चतुर्थ समानुपाती पूछ लिया, तो देखो 12 16 18 और ये x, मैंने कहा ना दूर दूर का मल्टीप्लाई बराबर नजदीक का मल्टीप्लाई, बस इतना ही अपन को समझना है, अपना सारा काम यहां से हो जाएगा। 4 की टेबल से 3 और ये 4 ये 6 x इक्वल टू 24, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। मतलब आप देख रहे हो चीजें आसान थी, एक बार बेसिक क्लियर हो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में कभी दिक्कत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 710 रुपए को ए बी सी इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं, सी को ए से 30 ज्यादा मिलते हैं, ए का भाग बताओ कितना है। ठीक है, बता देते हैं, वो खुद कह रहा है, देखो आप कोई चीज समझाता हूं, आपको अच्छा लगे तो देखना, लाइक करना, अच्छा लगे तो। ए को बी से 40 ज्यादा मिलते हैं, ए को क्या है बी से 40 ज्यादा मिलते हैं, और सी को ए से 30 ज्यादा मिलते हैं, तो ए का भाग बताओ। मैं चाहूं तो इक्वेशन भी बना सकता हूं, ठीक है, और मैं चाहूं तो बगैर इक्वेशन के भी कर सकता हूं। आप समझना, ये चीज यहां से यहां 40 ज्यादा है और ये यहां से यहां 30 ज्यादा है, मतलब ओवरऑल मैं ऐसा लिख सकता हूं ए बी और सी सबको एक से तुलना कर लो ना, मतलब मान लो बी से तुलना कर ली, ये यहां से यहां 40 ज्यादा है और ये यहां से यहां 40 और 30 पूरा 70 ज्यादा है बी से सी, ये यहां से 30 ज्यादा, तो बी से सी 70 ज्यादा हो गया। अब मैं कह रहा हूं ए में से अगर मैं 40 कम कर लूं और सी में से 70 कम कर लूं तो तीनों बराबर हो जाएंगे, मुझे क्लियर दिख रहा है। मतलब देखो ये डिपेंड करता है अपनी समझने की स्पीड कितनी है, आपको लगे तो कभी लंबा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन अवर माइंड, हम कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब समझिएगा, ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं, मतलब ए के अगर 40 रुपए हटा दो तो बी के बराबर आ गया, सी के अगर 70 रुपए हटा दो तो भी बी के बराबर आ गया, मतलब ले दे के मैंने 70 और 40 110 रुपए हटा दिए, रुपए टोटल 710 है, उसमें से मैंने 110 रुपए हटा दिए, कितने बच गए 600 रुपए, और जो रुपए बच गए वो तीनों बराबर बटे में, मतलब 600 बटा 3 कितना हो गया 200 रुपए, मतलब हर एक के पास 200 रुपए, 200 200 एंड 200, पर इसके 40 रुपए आपने हटाए थे वापस दे दो, इसे 70 रुपए आपने हटाए थे वापस दे दो, बस। अब पूछ रहा है ए का भाग बताओ, ए का भाग 240, बी का भाग 200, सी का भाग 270। आई होप चीजें क्लियर हुई होगी, बाकी इक्वेशन से तो लिखा हुआ है बुक के अंदर, आप यूं भी समझ जाएंगे। मैंने जो बताया, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके कमेंट शेयर करें, आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यहां से थोड़ा सा पार्ट जो है वो एज का चालू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एज में ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्वेश्चन होंगे नहीं वगैरह, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही हिस्सा है, एक बार चीज क्लिक कर गई ना बता रहा हूं फिर आपके एज ऐसे सेकंडों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु 2:3 थी, ये राम और ये श्याम, एक बार समझ लीजिएगा कभी दिक्कत नहीं आएगी। 5 ईयर बिफोर, ये 5 ईयर बिफोर की कहानी है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 ईयर आफ्टर 3:4 है, वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बड़ा आसान इसलिए हो गया उसके अपने डेटा की वजह से, डेटा जो दिया बड़ा आसान हो गया। आपको यहां एक ही चीज दिमाग में रखनी, देखो है तो राम और श्याम ही, राम और श्याम, अगर आप ऐसा सोचो आपकी बहन आपसे 3 साल बड़ी है उम्र में, तो वो जिंदगी भर 3 साल बड़ी रहेगी, कुछ नहीं कर सकते भैया आप, अब वो 3 साल बड़ी है ना, तो लाइफ टाइम 3 साल बड़ी रहने वाली है, तो आप उसके साथ एज का रेशियो कभी भी ले लो, कोई भी रेशियो आए, लेकिन गैप जो है वो 3 ईयर मेंटेन रहेगा, सही बात है। यहां देखो श्याम जो है राम से 1 साल बड़ा है, यहां भी श्याम राम से 1 साल बड़ा है अनुपात के अंदर, अगर बराबर नहीं है ये तो आप पहले बराबर कर लीजिए, बराबर है तो अब देखो यहां से यहां आने पर देखो बराबर है ना, तो अब ये वाला अनुपात है ना, ये वाले बराबर करके छोड़ दो,
अब ये वाले देखो, यहां से आने पर भी 1 साल बढ़ा और यहां से आने पर भी 1 साल बढ़ा, मतलब आप रेशियो के अकॉर्डिंग 1 साल बाद की बात करते हो। लेकिन क्वेश्चन देखो, 5 साल पहले और 5 साल बाद गैप 10 साल का है, तो आप ये एक एक नहीं कितने साल के बराबर हो जाएगा, 10, कितना गुना, 10 गुना, हर चीज 10 गुना। राम की उम्र अब ये 20, ये 30, ये वाला 30 और ये 40, सब 10 गुना कर लिया मैंने, अभी समझाने के लिए लिखा है 10 गुना। हर चीज को 10 गुना कर कर नहीं लिखना, जो चीज चाहिए वो निकालेंगे ना अपन। उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है, अब समझना ये 5 साल पहले की उम्र है, वर्तमान निकालूंगा तो 25 + 35 आएगा, 5 साल जोड़ दूंगा, रेशियो 5 साल पहले का है ना, 5 साल पहले की ही उम्र आएगी, रेशियो 5 साल बाद का है ना, 5 साल बाद की ही उम्र आएगी। यहां से प्रेजेंट एज चाहिए घटा लीजिए 25, 35, जोड़ने पर आपके आ जाएगा 60 ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The ratio of ages of Ram and Shyam 5 years ago was 3:1 and the ratio of their age after 5 years will be 2:1। अब देखो चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, एक नया मोड दिया है आपको, कहने का मतलब देखो 5 year ये बिफोर है और ये 5 year आफ्टर है। मैंने तो अभी आपको कहा था ना ये गैप चेक करना, ये 2 का है और ये 1 का, ये कैसे पॉसिबल है, होगा राम और श्याम है, राम एंड श्याम, राम श्याम से 2 साल बड़ा बता रहा है और कभी राम श्याम से 1 साल बड़ा बता रहा है, ये तो नहीं होगा ना। रेशियो अपना मेंटेन रखो 3:1। मैं रेशियो चेंज करने के लिए नहीं कह रहा, रेशियो मेंटेन रहेगा, 3:1 को 6:2 लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन समझना यहां गैप 2 का है और यहां गैप 1 का है, गैप बराबर करें, कहां बराबर होता है 2 और 1, 2 पे बराबर होता है, तो ये तो 3:1 का 3:1, ये 2 कर ले 4:2, इससे क्या हुआ आपके 1 साल बाद की बात हो रही है तो बराबर हो गए ऊपर गैप 2 का। अब देखो ऑटोमेटिकली 1 साल बाद की बात हो रही है, लेकिन अपने अनुसार 1 साल बाद की बात नहीं करनी है, अपने अनुसार ये 10 साल बाद की बात है, 10 साल बाद की बात है, मतलब कितना गुना, 10 गुना, तो हर चीज 10 गुना कर लीजिए, 30, 10, 40, 20। मैं फिर कह रहा हूं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप उसी का 10 गुना करो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, मुझे सम नहीं कहा है, आयु ज्ञात करनी है। ये 30 कब है, 5 साल पहले, तो आज कितनी होगी, 35, और उसकी कितनी होगी, 15। ये राम और ये श्याम, मुझे सम कहेंगे तो सम हो जाएगा 50। फिलहाल मुझे अलग अलग एज निकालने के लिए कही है तो अपन ने अलग अलग एज निकाल ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ राम इज 4 times ऑफ हिज डॉटर, क्लियर लिखा हुआ है, एज ऑफ राम इज 4 times ऑफ हिज डॉटर। अब उसके बाद भी लोग क्या बार बार देख रहे होते हैं 4 times कहां पर है, अरे भाई सीधी सी बात है, बाप ही तो पुत्री का 4 गुना होगा, पुत्री तो बाप का 4 गुना होने से रही नहीं, तो क्वेश्चन में नोट क्या करना बार बार जा करके, है ना, मतलब चीजें यूं ही समझ में आ जाती है, 4:1 होगा, ठीक है। द एज ऑफ राम वॉज 9 times ऑफ हर डॉटर, अब देखो ये 4 times कब है, द एज ऑफ राम इज 4 times ऑफ हिज डॉटर, द एज ऑफ वॉज 9 times ऑफ हर डॉटर 5 years अगो। अब ये जो है ना राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है, ये कब है लिखना जरूरी है, वर्तमान है तो वर्तमान भी लिखना जरूरी है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखना पड़ेगा, 4 साल पहले तो 4 साल पहले, 4 साल बाद तो 4 साल बाद। मैं मन से नहीं मानूंगा प्रेजेंट, तो अभी मैं मान रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में आ जाए ना तो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो देखें 4:1 यहां पर क्या है, ये प्रेजेंट मान लेता हूं, ठीक है, और 5 वर्ष पहले 5 year बिफोर कहा जा रहा है कि भाई वो 9 गुना थी, मतलब पिता 9 गुना था बेटी का। अब मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले कहा है मैंने ये गैप 3 का, ये गैप 8 का, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं, गैप बराबर करना पड़ेगा, 8 और 3 का बराबर होगा 24 पे बराबर होगा, 8 गुना करो, गैप आ गया 24, इसको 3 गुना करो, और अब देखो मजा, अपने आप कितने साल कम हुए, 5 साल कम हुए, आपने कितने साल पहले बोला, 5 साल ही बोला, तो मेरे को और कुछ मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो डेटा आया वो एग्जैक्ट डेटा अपने आप में, दोनों की वर्तमान आयु याद करो, ये वर्तमान आयु पड़ी 32 साल और 8 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द एज ऑफ फादर इज, मैं ये कहना चाहूंगा दोबारा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ फादर इज 3 times ऑफ हिज सन, फादर पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, ये पिता, ये पुत्र, ये 3 गुना, ठीक है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी,
प्रेजेंट 5 ईयर बिफोर, मैं चाहूं तो इसको सॉल्व कर सकता हूं पूरा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब आगे कुछ पढ़ी नहीं रहा, पहले पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करता हूं फटाफट से। ये गैप कितना? 2 का। ये गैप कितना? 5 का। 2 और 5 कहां बराबर होंगे? 10 पर। इसको 5 गुना करना है, ये लीजिए। इसको 2 गुना करना है, गैप 10 आ गया, मेंटेन है गैप। अब देखिए कितने साल पुरानी बात हो रही है, 3 साल, 5 वर्ष पहले। हो सकता है पॉइंट्स में जाए डेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 5 बाई 3 टाइम्स पुत्र की वर्तमान आयु याद करें। ये पुत्र है 25/3 साल का पुत्र है। उसकी मां की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। उसकी मां की आयु याद करें लो। मां की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। और पुत्र हुआ कब, ये कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूं आपको क्या कहना चाह रहा है कि भाई एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर, जब उसकी मदर की शादी हो रही थी, शी वॉज 5 ईयर्स यंगर टू हिज फादर। उसकी मां की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। ये वाला समझना आता है, यहां कहीं पुत्री है नहीं, डॉटर नहीं है। पुत्र की वर्तमान आयु याद करें, मैंने वर्तमान आयु बता दी 25/3 ईयर, ये कन्फर्म है। उसकी माँ की शादी के समय, उसकी मतलब किसकी, तो पुत्र की माँ की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी, नहीं छोटा था, ये लिखाना चाहिए ना। और 5 वर्ष छोटा कैसे हो सकता है पिता के से? और उसकी माँ की आयु याद करें। देखो जो मुझे समझ में आता है पर्सनली, मुझे नहीं देखना, मैं बाद में देख लूंगा क्या होता है बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, चीज समझना। मुझे इतना समझ में आता है कि वो पिता से 5 वर्ष छोटी थी, मतलब हो सकता है कि यहाँ पुत्र की बात कर रहा हो, या फिर एक बेटा अपनी माँ को बता रहा हो कि मेरी माता अपने मेरे पिता से 5 वर्ष छोटी थी। कब? शादी के समय। तो शादी के समय उस फादर की एज क्या थी, मुझे क्या ध्यान, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? सर एक काम करो, 25/3 साल घटा दो पिता की एज में से, तो पिता की उस समय शादी हुई होगी। ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है, शादी होती क्या, बच्चा हो गया क्या? तो लिखा होता है ना बच्चा कब हुआ होगा, तो शादी कब हुई है मेरे को पता ही नहीं है। तो उसकी माँ की आयु याद करना मेरे लिए थोड़ा टफ है, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन को यहां तक लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड हर मदर इज 3:8। मीना एंड हर मदर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर्स इफ आफ्टर 10 ईयर्स देयर एज डिफरेंस विल बी 35 ईयर्स। मुझसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है बता दूंगा। इफ आफ्टर 10 ईयर्स, अगर 10 साल बाद उनकी एज डिफरेंस 35 साल है। अब मेरी बात समझो, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, आपकी बहन आज आपसे 3 साल बड़ी है तो जिंदगी भर 3 साल बड़ी रहेगी। 10 साल बाद अगर उनकी एज डिफरेंस में 35 साल का गैप है, तो अभी भी 35 साल का ही गैप होगा, राइट? तो 7 टाइम्स इट इज 21 एंड इट इज 56। अब 4 साल बाद पूछा है तो 21 वाला 25 हो जाएगा, 56 वाला 60 हो जाएगा, रेशियो 5:12 आ जाएगा। आई होप रेशियो इन प्रोपोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।